बोकारो में चास प्रखंड अंतर्गत सोनाबाद पंचायत में 19 एकड़ बंदोबस्ती जमीन पर निर्माण कार्य को मना करने के विरोध में ग्रामीणों ने चास अचल कार्यालय जाकर फरियाद लगाया है। ग्रामीणों ने सीओ से इसकी शिकायत करते हुए कहा कि सोनाबाद पंचायत अंतर्गत इस बंदोबस्त जमीन पर हमें सीओ साहब की ओर से डिग्री दी गई थी, जिसके बाद हम लोग निर्माण कार्य कर रहे थे, जिससे सोनाबाद पंचायत के मुखिया और उनके साथ कुछ अन्य लोगों के द्वारा निर्माण कार्य को बाधित किया गया। सीओ की ओर से कुछ समय के लिए कार्य को रोकने का आदेश देते हुए बाद में निर्माण कार्य को लेकर आश्वासन दिया गया है। हमको न्याय चाहिए, हम लोग का जमीन में जिस जमीन में झगड़ा हो रहा है उस जमीन से हमको न्याय चाहिए। वो जो अनीता देवी बोल के गई है कि इनका बपोती जमीन नहीं है, वो मेरा बपोती जमीन है। आज चार पीढ़ी से हम लोग कर रहे हैं उसको, खा रहे हैं उस जमीन में, खेती कर रहे हैं, और फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं है इनका बपोती जमीन। और जब हम लोग घर बनाते हैं दिन में तो उसको रात दिखाई देता है, हम लोग दिन 10 बजे घर बना रहे हैं तो उसको रात 10 बजे दिखाई दे रहा है। वो किस नज़र से देखती है वो कि उसको रात दिखाई दे रहा है। सीओ साहब फिलहाल बोले कि अभी कुछ दिन के लिए रुक जाइए, 10-5 दिन के लिए रुकिए, गांव में जो माहौल खराब हुआ है उसको ठंडा होने दीजिए। आप लोग का है तब सीओ साहब आप लोग को क्यों बंद कर रहा है? क्योंकि गर्म है गांव में माहौल, इसीलिए बंद। हाँ, इसीलिए लेडीज लोग घर जाके झगड़ा कर रहा है, घर धोसा दे रहा है, इसके वजह से बोले सीओ साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमपी देवी है। मामला लेके आए थे हम लोग का 1975 का बंदोबस्ती था, जो सीओ साहब हम लोग को 9 जनवरी को हम लोग को डिग्री दे दिए थे। उसके बाद हम लोग 19 तारीख को घर बनाना शुरू किए, कुछ गांव के उपद्रवियों ने घर को हम लोग का तोड़ने का काम किया, तो उसके बाद हम लोग पुलिस के पास, पुलिस ने हमको एक नोटिस थमा दिया कि सीओ साहब रोके हैं। तो हम लोग बोले भाई सीओ साहब तो हम लोग को 9 तारीख को ही दिए हैं डिग्री, फिर क्यों रोका गया? उसी को हम लोग पता कर न्याय के लिए हम लोग सीओ साहब के पास आए थे कि हम लोग को आप ही जब डिग्री दिए हैं तो दोबारा फिर आप ही क्यों हम लोग को रोक रहे हैं? इसका क्या आधार है, किस आधार पर हम लोग को दोबारा आप लोग हमको रोकें? कौन लोगों के द्वारा आप लोगों का घर तोड़ा गया? हम लोग का घर तोड़ा गया भास्कर महतो, टेकलाल महतो, लक्ष्मीकांत महतो, किरण देवी। कौन है ये लोग? ये लोग मुखिया के द्वारा एक गुट बनाया गया है जो हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कुलदीप जब घर बनाया था तो हरिजन एक्ट के समय हम लोगों ने इसको सपोर्ट किया। ये मामला कौन सा पंचायत का है? सोनाबाद पंचायत का। अच्छा, सरकार तो आप लोग को जमीन खेती के लिए दी थी वो? जी, हम लोग को खेती के लिए दी थी। हम लोग खेती कर रहे हैं वर्षों से, 1975 से हम लोग खेती कर रहे हैं। इसमें सर्वे निरीक्षण के लिए भी गए थे पिछले जो सीओ थे, वो निरीक्षण करने के बाद ही हम लोग को डिग्री दिया गया था। तो उसके बाद इन लोगों ने हम लोग के साथ मारपीट भी किया और तोड़फोड़ भी किया। आप लोग वर्तमान सीओ से मिले तो उन्होंने क्या कहा? वर्तमान सीओ ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप लोग का जमीन कहीं नहीं जाएगा, जब हम ही आपको दिए हैं, हम ही आपको डिग्री दिए हैं, तो हम अपना खिलाफ कैसे कर सकते हैं? कुछ दिन के लिए गांव का शांति के लिए रोके हैं, ऐसा हम लोग को आश्वासन दिया गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम शालिग्राम महतो। अभी मेरा 24/10/1942 का डीड है, ठीक है, 24/10/1942 का डीड है, ऑनलाइन रसीद है, सब कुछ है। अभी 2 दिन पहले 19 तारीख को अनीता देवी ने न्यूज़ में डाला था कि इसका मतलब कोई कागजात नहीं है, जबकि मेरा मतलब 1942 का डीड है। अभी जो बात हो रही थी उसी में से आप हैं कि आप अलग हैं फिर से? नहीं नहीं, मैं वही है, मतलब जमीन वही है, साथ में है, लेकिन मेरा 1942 का डीड है, ऑनलाइन रसीद है, सब कुछ है मेरे पास, कागज क्या नहीं है ठीक, क्या नहीं? लेकिन देखिए वो सब जो बना रही मतलब न्यूज़ में भी दिया हुआ है कि रात को घर बनाता है, जबकि हम लोग दिन में घर बनाए हैं। थाना वाला भी 12 बजे आए थे, 12:30 थाना वाला से हम लोग बात किए हैं, उसके बाद 2 बजे बड़ा बाबू फ़ोन किए हैं। अभी माना कौन कर रहा है आपको बनाने से? माना कौन? वही मुखिया ग्रुप है, तो भास्कर महतो, धीरेन महतो, टेकलाल महतो, फलारी महतो, ठीक है, लक्ष्मीकांत महतो, यही सब मतलब। जमीन का विवाद चल रहा है क्या? कितना जमीन का विवाद है? कितना डिसमिल का? 19 एकड़ जमीन है टोटल। क्या नाम है दादा?